आज मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर एम पी आर्या जी। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा, आप पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर जी, तो किस तरीके की तैयारी चल रही है आपकी? नहीं, तैयारी पूरी तौर से अच्छी है, जनता भी पूरी तौर से तैयार है भारतीय जनता पार्टी का साथ देने के लिए। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी और देश में माननीय मोदी जी की सरकारों ने जो काम किए हैं उनसे जनता बहुत प्रसन्न है, उत्साहित है, भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में और ज़्यादा मदद करने को तैयार हैं लोग। कैसा समर्थन मिल रहा है? भीड़ भाड़ इकट्ठी हो रही है खूब? हर जगह भीड़ खूब इकट्ठी होती है, जहाँ जाते हैं लोग साथ में हो लेते हैं, साथ साथ हो लेते हैं। लेकिन एक आपकी ही पार्टी के दूसरे दावेदार हैं रमेश गंगवार जी, वो 15 अक्टूबर से पहले एक युवा सम्मेलन कर रहे हैं, तो उसमें ऐतिहासिक भीड़ का दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं उसमें वो इतना बड़ा है उनका जो रिकॉर्ड होगा वो कोई नहीं तोड़ पाएगा, वो स्वयं ही तोड़ेंगे, तो उनके दावे पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, मुझे बाकी कोई टिप्पणी नहीं करनी है। हर आदमी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लगा है, कार्यकर्ता है, हर एक को टिकट मांगने का अधिकार है, और वो भी काम पार्टी के लिए कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। ये पार्टी ऐतिहासिक भीड़ का जो दावा कर रहे हैं, क्या उनके दावे को आप तोड़ पाएंगे? उनका जो दावा वो कर रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं किसी से कंपटीशन नहीं करता हूं, तुलना नहीं करता हूं, बस पार्टी के लिए काम कर रहा हूं, और निश्चित रूप से ये कह सकता हूं कि जितना समर्थन विधानसभा नवाबगंज के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, मुझे मिलता है, उतना शायद इस समय तक किसी के साथ नहीं है। आप पेशे से एक डॉक्टर हैं, वो स्वयं के लिए गरीबों का मसीहा बताते हैं, वो प्रत्येक अपनी सभाओं में ये कहते हैं मैं गरीबों का मसीहा हूँ, तो इस पर क्या कहेंगे? मैं कुछ टिप्पणियाँ नहीं करना चाहता हूँ, और स्वयं को कितना क्या प्रदर्शित करना है इसके लिए भी मेरी अपनी सीमाएं हैं, मैं दूसरों पर टिप्पणियाँ नहीं करता हूँ। उनकी दावेदारी में मुकाबला कर पा रहे हैं आप उनसे? अब ये तो पार्टी को देखना है, ये तो जनता को देखना है, जनता अपने आप तय करेगी और पार्टी तय करेगी। दूसरी एक और हैं जो दावेदार हैं, विशाल गंगवार जी, वो अपने पिता के द्वारा जो विकास कार्य कराए गए हैं उसको लेकर लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। आपका क्या बेस है, आधार क्या है आपका, जो आप घूम रहे हैं आप, तो उस पर क्या, किस आधार पे समर्थन मांग रहे हैं? देखिए, काम कोई व्यक्ति नहीं कराता है, काम पार्टी के स्तर पर होता है, सरकार के स्तर पर होता है, काम जो भी कराए हैं सरकार ने कराए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने ही सब कराए, हम उसी उन्हीं उपलब्धियों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं और उसी की बात करते हैं, जनता समर्थन दे रही है इससे प्रसन्नता होती है। उम्मीद है आपके लिए टिकट मिलेगा आपको? मैं तो 100% आश्वस्त हूँ, क्योंकि आपके मुकाबले में जो और दावेदार हैं वो बहुत बड़े बड़े दावे हैं उनके, आपका बहुत छोटा सा दावा है, क्या टिक पाएंगे उनके सामने? देखिए, मैं कॉम्पिटिशन किसी से करता ही नहीं और मेरा किसी से कोई कॉम्पिटिशन है ही नहीं, मैं सीधी सी बात ये कहता हूँ।